हेलो एवरीवन, दिस इज कल्याणी एंड यू वाचिंग ज़ीबेऊटी। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बेकिंग सोडा के टॉप 5 यूजेस। मतलब कि फ्रेंड्स, आप बेकिंग सोडा को अपने फेस पर किस तरह से यूज कर सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। एक्चुअल में फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा हमारे फेस के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं आपको बता नहीं सकते हूँ। बेकिंग सोडा हमारे फेस को क्लींज करती है, उसमें एक ऐसा नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है फ्रेंड्स, जो आपके फेस के डेडस्कन सेल्स को रिड्यूस करती है, अगर आपके दांतों में पीलापन है उसे भी दूर करती है। बहुत सारे फायदे हैं, मैं इसके आज सिर्फ और सिर्फ 5 यूजेज बताऊंगी जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, पर उससे पहले फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, बेकिंग सोडा एक ऐसा नेचुरल इंग्रेडिएंट है, इसमें बहुत सारे मात्रा में विटामिंस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो आपके फेस के लिए, आपके टीथ के लिए, आपके हेयर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके रेगुलर यूज से आप अपना डिफरेंस खुद ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लिप स्क्रब बनाने के लिए 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, देन इसमें 1/2 स्पून ही हनी ऐड करूँगी। देन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी ताकि इसका एक पेस्ट बन सके। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद मैं इस पैक से अपने लिप को स्क्रब करूंगी। मैं इसे 5 to 10 मिनट अपने लिप को स्क्रब करूंगी ताकि मेरे लिप में जो भी डार्कनेस है, डेड स्किन सेल्स है, वो काफ़ी ईजिली रिमूव हो जाए। मैंने इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया हुआ है। बेकिंग सोडा में प्रेजेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आपके डेड स्किन सेल्स को काफ़ी ही ईजिली रिड्यूस करती है और आपको एक पिंक और प्लम्प लिप प्रोवाइड करती है, यानी आपके लिप को मॉइस्चराइज करती है। फेस क्लींजर बनाने के लिए एक बॉल में 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, देन 1 स्पून वाटर ऐड करूंगी। इन दोनों को मिक्स कर लूंगी और इसमें एक कॉटन बॉल डिप कर लूंगी। देन मैं इस क्लींजर से अपने फेस को क्लींज करूंगी। 5 to 10 मिनट अच्छी तरीके से क्लींज करने के बाद आप अपने फेस पर ग्लो खुद ही देखोगे, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बहुत ही अच्छा नेचुरल क्लींजर की तरह वर्क करता है। फेस पैक बनाने के लिए 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, देन इसमें 1/2 स्पून कोकोनट ऑयल मिक्स करूंगी और इन दोनों को अच्छी तरीके से एक थिक कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लूंगी। उसके बाद इस पैक को मैं अप्लाई करूंगी। इस पैक को 5 to 10 मिनट ऐसे ही अप्लाई करके छोड़ देना है, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है। कोकोनट ऑयल आपके फेस के इन्फेक्शन को दूर करता है और आपके फेस पर प्रेजेंट डेड स्किन सेल्स को बेकिंग सोडा रिड्यूस करता है। साथ ही साथ कोकोनट ऑयल आपके फेस को काफ़ी ईजली मॉइस्चराइज करता है और आपके फेस पर एक ग्लो प्रोवाइड करता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इस फेस पैक को आपको वीक में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है, उससे ज़्यादा इस फेस पैक को बिल्कुल भी यूज ना करें। फेस सीरम बनाने के लिए एक बॉल में 1/2 स्पून बेकिंग सोडा, देन इसमें मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। फ्रेंड्स, इससे अच्छा फेस क्लींजर शायद ही कोई हो। देन मैं इसे अब अपने हैंड के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, आप इसे नॉर्मली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना। मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया हुआ है। एलोवेरा जेल में प्रेजेंट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज आपके फेस को बहुत ही इजली मॉइस्चराइज करती है, आपके डल स्किन को बहुत ही जल्दी ग्लो प्रोवाइड करती है। बेकिंग सोडा आपके फेस को लाइटन और ब्राइटन करती है। टीथ व्हाइटनिंग पैक बनाने के लिए आप अपना मन पसंदीदा कोई भी पेस्ट ले सकते हैं। देन इसमें 1/2 स्पून बेकिंग सोडा ऐड करिए। दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप इसे अपने टीथ पर अप्लाई कर लीजिए। इस पैक से 5 to 10 मिनट अपने टीथ को अच्छी तरीके से ब्रश करिए ताकि आपके जो टीथ पर पीलापन है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो काफ़ी जल्दी रिड्यूस हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस पैक को आपको बिग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज़ करना है। आई होप गाइस ये वाला वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो ये टॉप 5 यूजेस बेकिंग सोडा का यूज करिए।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।